7 दिसंबर को जिले में भी सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया। संभाग आयुक्त आनंद कुमार शर्मा ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर सेना के अधिकारियों को सैनिक कल्याण के लिए दान राशि भेंट की। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के संभागीय अधिकारियों ने भी सैनिक कल्याण के लिए दान राशि भेंट की। सेना के अधिकारियों ने संभाग आयुक्त तथा उपस्थित अधिकारियों को सेना झंडा दिवस के प्रतीक स्वरूप बेच लगाए। झंडा दिवस पर मेला कार्यालय में रिटायर्ड मेजर सुनील मुजुमदार एवं उनकी टीम द्वारा जिला पंचायत सीईओ अंकित अस्थाना, अपर कलेक्टर अवि प्रसाद, जितेंद्र सिंह चौहान एवं समय सीमा की बैठक में मौजूद सभी अधिकारियों को फ्लैग लगाए। इस अवसर पर रिटायर्ड मेजर सुनील मुजुमदार ने झंडा दिवस की महत्ता के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि उज्जैन जिले में विगत 3 वर्षों में सशस्त्र सेना बल के युद्ध में घायल हुए सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए लक्ष्य से अधिक राशि एकत्रित कर भेजी गई है। मैं सुबेदार मेजर सुदेव मजुमदार, कल्याण संयोजक, जिला सैनिक कल्याण कार्यालय उज्जैन, आप सभी को झंडा दिवस के बधाई देता हूँ और आपको झंडा दिवस में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज पिछले 3 साल से उज्जैन जिला सशस्त्र सेना झंडा दिवस में दोगुने से भी ज़्यादा राशि दान प्रदान किए हुए, जिसके वजह से गवर्नर महोदया ने हमारे उज्जैन के जिलाध्यक्ष को एक ट्रॉफी का भी उन्होंने प्रदान किए हैं। सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर 1949 से भारतीय सेनाओं द्वारा लगातार मनाया जा रहा है। हमारे सरहदों पे जो सैनिक दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं और जो निरंतर देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं, और जो हमारे ऐसे सैनिक भाई जो युद्ध में हताहत हो जाते हैं, जो घायल हो जाते हैं, आज 7 दिसंबर का दिन देश के लोगों के लिए उन सैनिकों के प्रति आभार व्यक्त करने का दिन है। आज के दिन जनता के माध्यम से धन संग्रहित किया जाता है और इस संग्रहण राशि का इन सैनिकों के और उनके परिवार के पुनर्वास के लिए उपयोग किया जाता है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस की सभी देशवासियों को और उज्जैन की जनता को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।